क्योंकि गाइस ये शर्ट्स भी बड़ी प्यारी आई खड़ी है। ये सारी न्यू आई है, ये है जी 4250 में। ये देखो भाई, ईद से पहले इनकी न्यू कलेक्शन आ गई है। ये भी बड़ा प्यारा ड्रेस है इनका, और इसकी प्राइस है 5000, है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ECS के ऊपर न्यू कलेक्शन आ गई है। बहुत अच्छे शूज़ आए हैं, ड्रेसेस उनके काफ़ी अच्छे आए हैं। पर्स भी बहुत प्यारा लग रहा है ECS का। मेरे पास ऑलरेडी इतने पर्स हो चुके हैं ना, दिल भी करता है और मैं ले नहीं रही। ये है जी राउंड पाओ, ये 7000 के रेंज में है ये वाला पर्स, 7000। तो सारे पर्स हैं, एक सेकेंड नहीं नहीं ये यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, ये वाले दिखाए ना इनके, इसके ये दिखाओ। अब बता दें ये क्या है, ये ना ये लोग हाँ, कौन सा इदारा कर रहा है ये? एक इदारा PSRD लाहौर में, जिसमें बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चियाँ वो तैयार करती हैं। अच्छा अच्छा, और जितनी भी हमारी शॉप है ना, सभी के ऊपर ये चीज़ सेल हो रही है। अच्छा, तो ये लोग ये लेंगे तो उन बच्चों की आप ये कहते हैं सवाब के तौर पे भी आप ECS पे आए, तो ये ECS पे हर शॉप पे पड़े होते हैं, तो ये आप लोग बाय करें ताकि सवाब की नीयत से बाय करें जो भी है आप। ओके गाइस, तो इनके बहुत अच्छे शूज़ आए हुए, इनके शूज़ काफ़ी कम्फर्टेबल होते हैं, और साथ इनके पर्स भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। इसको देख लेते हैं, एक और भी देखते हैं अच्छी कलेक्शन। इस दफा बड़े अच्छे है, ये न्यू आ गए ना सारे, आप नए आ गए सारे, इनका नया स्टॉक बहुत अच्छा आ गया। रेट्स भी हमारे पास भी नहीं है, सारे भी काफी अच्छे हैं। अच्छा, और ECS के जूते सबसे कंफर्टेबल होते हैं। Like it? Yes. दिखाएं पाओ जूता खोल के, खोल के दिखाओ। बस जी, तो हम लोग निकले थे बच्चों की कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो ये कुछ उनकी स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने ली, और ये हैंड राइटिंग की बहुत गंदी हो गई है, तो उसके लिए हम ये लेंगे। अंदर से खोल के दिखाओ कैसी है। बस गाइस, निकले तो हम लोग घर की कुछ ग्रॉसरी के लिए थे, लेकिन वहाँ से हम ECS पहुँच गए, बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह ली, और यहाँ से हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें ली और घर की भी काफ़ी सामान लिया। ओके गाइस, तो यहाँ से मैंने एक ये तसला सा लिया है, और इसकी प्राइस थी 850। ये देखें, इसकी मुझे ज़रूरत थी, बच्चों में मुझे कुछ डिफरेंट मिलता है तो बोलते हैं। वो वाला कौन था? और ये मैं एक लाइटर लूँगी। ये भी एच पे, इसकी क्या प्राइस है, क्या लिखा होगा ऊपर, इतना लिखा वो खराब लिखा हुआ नजर ही कुछ नहीं। 295। ये कितने का? 630। गाइस, मम्मा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। छह वाला सेट है, कोई और डिफरेंट है जैसे ये है इस टाइप का, कोई और है जिसमें ये ज्यादा सारे डिफरेंट है? पिंक लेने, बंस लेने। हाँ।
गाइस वहां से निकल के हम बच्चों की स्टेशनरी की एक और शॉप पे गए क्योंकि उनका सामान पूरा नहीं होता। ये देखें यहां पे रिसाले पड़े, कौन कौन पढ़ता है ये वाले रिसाले, यहाँ पे बड़ी अच्छी बुक्स पड़ी हैं, इबादात है रमजान उल मुबारक, जैसे मेरे पास भी घर में काफी पड़ी हैं। अच्छी बुक लग रही है मुझे ये। बस ये गाइस तो काफ़ी हमारा टाइम लग गया, वहाँ से निकल के हम जल्दी जल्दी घर पहुँचे और फिर हमने जल्दी जल्दी इफ्तारी तैयार की और जो मतलब BCS पे चलते हैं ना वहीं से आप शूज़ पसंद कर लो, उनकी वैसे नई कलेक्शन आई हुई भी होनी है। बस गाइस तो ये मैं अभी इफ्तारी में काट रही हूँ साथ खरबूजा, खरबूजे आजकल कुछ सस्ते भी हुए हैं, वैसे सस्ते हो चुके हैं। फ्रूट चाट मैंने बनानी है क्रीम वाली, वो अभी आज नहीं बनेगी, लेट हो गए हम लोग बाज़ार चले गए थे। बस जल्दी जल्दी अभी इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये रोज हमारा बन गया और अब ये मैं अपने लिए बनाऊंगी ट्रेन, ठीक है। कौन सा ट्रेन, लेमन वाला विदाउट शुगर डायरेक्ट। गाइस तो ये बन गई है मज़ेदार चना चाट और ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, मैंने भी कहीं से सीखी है, तो इसकी रेसिपी आपसे बाद में शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की है हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। हमारी सहरी इफ्तारी की ग्रोसरी हो गई और सामान आ गया बच्चों का खाना पीना, क्योंकि बच्चे रोज़े रख रहे हैं। ओके गाइस ये केन के ये क्या है, टेंडर पॉप्स आ गए हैं, ये क्या है फ्राई फिंगर्स आ गए हैं, साथ आ गया है गाइस ये देखें अभी अभी बच्चों के स्प्रिंग रोल आ गए हैं, ये कोई फ्राई फिंगर्स हैं, ये टेंडर पॉप्स हैं और क्या आया है, यस वाह जी वाह, क्रोनट्स आ गए हैं और साथ ये इतना बड़ा डब्बा लगा है। ये अच्छा ये हमारी आ गई है ब्राइडे की क्या चीज आई है देखते हैं हम। वाओ ये हमारी मिठाई भी आ गई है, रमजान में इफ्तारी में बड़ी जरूरत होती है, पर मैं अभी चख लूं, मैं तो इफ्तारी किए बैठी हूँ। टेस्टी ठीक है, ये तो सेल है। ये हमारे रस भी आ गए जो खत्म थे, ये बच्चों का खाना पीना चिप्स और हर चीज सारी रात खाएंगे बैठ के, और यहाँ क्या है, और ये हमारे बिस्किट शिस्किट और ये सारी चीजें आ गई। ये सारा सामान कितने में आया है, ये सारा सामान जो हर चीज के काउंट करने तो तकरीबन 18,000 का आया। ये सारा कुछ रखने के बाद ये चॉकलेट्स मैंने सामान में से निकाल लिए, इनको मैं अलग कर दूंगी, बच्चों की पहुंच से दूर रखें।